अहमद खान है रेलवे स्टेशन से, मैं बानीहाल रेलवे स्टेशन से इस वक्त आपसे मुतफ़िक हूँ कि आज बड़ी खुशी हुई कि जो आज बारामूला से बानीहाल के लिए ट्रेन आई है, तो खुशी भी हुई और कभी काफी दुख भी है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ काफी बेरोजगारी बढ़ गई और बहुत सारे ऐसे दुकानदार भाई थे ट्रांसपोर्ट वाले, आम लोग जो यहाँ पे काम करते थे ये ट्रांसपोर्ट वाले, तो 7 हफ्तों से ये मतलब 7 हफ्तों के बाद यहाँ पे आज ट्रेन पहुंची है, तो थोड़ा बहुत हलचल मिली, हमें भी खुशी हुई और हम नॉर्दर्न रेलवे के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ में एलजी साहब और चीफ एरिया मैनेजर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काफी नुकसान हुआ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का और गरीबों का, यहाँ पे जो दिन में यहाँ पे रेड़ी लगाते थे और थोड़ा सा रोजगार उनको चलता था, तो मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से वो कुछ ना कुछ हेल्प यहाँ पे करें। और बड़ी खुशी की बात है, हम मतलब तमाम जितने साथी मेरे यहाँ पे हैं बड़े सारे खुश हो गए, तो और रिक्वेस्ट करते हैं साहब चीफ एरिया मैनेजर साहब से और नॉर्दर्न रेलवे के जितने ऑफिसरान हैं कि ये ट्रेन को ये बढ़ाए यहाँ पे। अभी 3 ट्रेनें आ रहे हैं, तो सुबह से अभी एक ही पहुंची है यहाँ पे, तो गुजारिश करते हैं कि ये ट्रेनों को और बढ़ाए, वो सबसे बड़ी बात होगी कि अगर इसमें हमें ये ट्रेन बढ़ाएंगे तो बहुत मतलब उससे यहाँ पे रोजगार भी बढ़ेगा और दुकानदार भाई ट्रांसपोर्ट जितने भी हमारे हैं इनको काफी नुकसान हुआ कि किस्त नहीं मिल रही है इनको बैंक में डालने के लिए, गाड़ियां काफी उन्होंने उठाए किस्त की वजह से और इनको काफी यहाँ पे नुकसान हुआ ये मतलब लॉकडाउन की वजह से, तो बहुत बड़ा नुकसान है। आपको पता है यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट अब बनी है, लेकिन ट्रेन की वजह से और कोविड की वजह से ये सब दुकानें बंद है। अच्छा, होटल्स बंद है, ट्रांसपोर्ट भी बंद है, सब कारोबार जो हमारा यहाँ चलता है वो सब ट्रेन के ऊपर, और इसके बावजूद हमारा छोड़ो बाकी लोग का आना जाना, यहाँ से पेशेंट जाते हैं ट्रेन में बहुत सारा है, हमारा जो अस्पतालों का आना जाना वो ज्यादा कश्मीर की तरफ है, तो उनका भी बड़ा नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, ये पूरे मतलब बनहाल का नुकसान है। तो हम चाहते हैं कि ये ट्रेन खुल गई है आज, लेकिन ये खुली रहनी चाहिए, थोड़ा बहुत लोगों को भी सोचना है, सोशल डिस्टेंस के साथ करें और हिसाब से चले ताकि ट्रेन को बहाल रहे, हमारा ही फायदा है इसमें, लोगों का फायदा है, ट्रेडर्स का फायदा है, ट्रांसपोर्ट का फायदा है। बाकी हमारी नॉर्दर्न रेलवे से यही गुजारिश है कि ट्रेन को बाहर रहें, ट्रेनों को बढ़ाएं, हमारी सहूलियात है, हम भी साथ दें, वो भी साथ दें, मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम मिलकर साथ दें, हमारे साथ कंप्रोमाइज होकर ये सब काम बनेगा, लेकिन थोड़ा हमें भी सोचना है, पैसेंजरों को सोचना है, ट्रेन में मास्क लगा के जाए, किसी को कोई तकलीफ हो वो अपने आप ही समझे कि हमें तकलीफ है, तो लोगों में वो परहेज करे जाने के लिए, डॉक्टर से रब्ता करें, ये तो हमें अपने तक है सब कुछ, बाकी अगर हम ये ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह ये सब सिस्टम फिर से अच्छा दोबारा शुरू हो जाएगा, अच्छा माहौल आएगा, अच्छा माहौल रहेगा, सब मतलब बीमारी है ये सब दूर हो जाएगी।